अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मेरा नाम है एलिया जहरा और मुझे ज्वाइन किया है अंबर शमसी ने, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं समा के साथ। अंबर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू डिस्कस दिस सेंसिटिव टॉपिक। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कुछ दो तीन दिन के अंदर जो अहमदी कम्युनिटी है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज बातें की गई, जो कि कोई नई बात नहीं है, होती रहती है ऐसे। और अहमदिया कम्युनिटी जो है वो परसिक्यूशन का भी उनको सामना है, डिस्क्रिमिनेशन का भी, उसके साथ साथ हेट स्पीच का भी, और वो पब्लिक फिगर्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार जो है वो मिनिस्टर्स की तरफ से और बहुत ब्लेटेंट तरीके से वो आई, तो ये उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये है कि कुछ लास्ट वीक के हुआ कैबिनेट कमीशन के अंदर से एक रिपोर्ट आई कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कमीशन बन रहा है उसके अंदर ये डिस्कस करके अहमदी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद जब भी रिपोर्ट ली, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुई लेकिन ये रिपोर्ट्स थी, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक हेट कैंपेन शुरू हो गई कि ये पीटीआई गवर्नमेंट कैसे ऐसा कर सकती है और वो कैसे अहमदी स्कूल में डाल सकते हैं, यानी कि माइनॉरिटी कमीशन में अहमदी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन के वो लोग खिलाफ थे। उस कैंपेन के अंदर हिस्सा लिया एक मिनिस्टर ने, अली मोहम्मद खान ने, और उन्होंने भी एक हेटफुल स्लोगन जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं किसी भी तरह से नहीं इसको करेंगे, इनको नहीं आने देंगे अहमदी को उस कमीशन के अंदर। तो उस वो डिसीजन तो जो है वो उन्होंने डिनाई कर दिया कैसे पता हुआ कैबिनेट की मीटिंग में। लेकिन उसके बाद फिर नूरुल हक कादरी जो रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि आप जो अहमदी कम्युनिटी है उससे जो हमदर्दी रखता है वो पाकिस्तान से भी लॉयल नहीं हो सकता और इस्लाम से भी लॉयल नहीं हो सकता। तो अंबर, इस तरह की स्टेटमेंट मिनिस्टर्स की तरफ से आना, मिनिस्टर्स जो कि यू नो इंटरफेथ हार्मनी का मिनिस्टर और उनकी मतलब जो इंटरफेथ हार्मनी के मिनिस्टर होते हैं उनको इंटरफेथ हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे निकलते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस वरिंग्स फ्रॉम द मिनिस्टर्स? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा, ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा हो जो इस किस्म की बातें कर रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा कैप्टन सफदर, मरियम नवाज साहिबा के शौहर, उन्होंने भी अहमदियों के हवाले से एक तकरीर फरमाई थी कौमी असम्बली में। ज़ाहिर है उनका भी बहुत ज़्यादा एक यकीन है और उन्होंने भी ऐसी बातें की थी जिससे मज़ीद जो नफ़रत होती है, जिससे शक होता है कि अहमदी बिरादरी के ख़िलाफ़ इश्तियाल मज़ीद उसको दिया जाएगा, उन्होंने भी ऐसी तकरीर फरमाई थी। तो ये पहली बार नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर नूरुल हक़ कादरी साहब कह रहे हैं कि जो भी अहमदियों के साथ सिंपथी जाहिर करता है तो वो पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है, इस्लाम से वफादारी नहीं हो सकती, तो ये इशारा वो अपनी हुकूमत के जो लोग हैं, जो जिन्होंने तजवीज़ भी पेश की थी कि अहमदी बिरादरी को अखिलतों की जो कमीशन थी उसमें शामिल करना चाहिए, तो फिर ये उन पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन अब आपने देखें कि ये इल्ज़ाम और किस पर लगा रहे हैं। जो इल्ज़ाम है वो जो बानी पाकिस्तान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन पर भी लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक जो जफरुल्लाह खान साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे थे और जिन्ना को बिल्कुल ठीक मालूम था कि उनका ताल्लुक अहमदी बिरादरी से था, ऐसा नहीं था कि वो ला इल्म थे। तो यानी कि जो बानी पाकिस्तान है वो भी क्या वफादार नहीं थे पाकिस्तान के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था? तो ये एक सवाल ये भी बनता है। ये मसला एक और जो बहुत बड़ा है कि अहमदी बिरादरी पाकिस्तान में उसको इतनी भरपूर कोशिश की गई है कि उनकी आवाज़ दबाई जाए, उनको एक तरह से मिटा दिया जाए, क्योंकि वो अपना जो मौक़िफ़ है वो मीडिया में तो आकर पेश नहीं कर सकते। कुछ अखबारात हैं जो उनका मौक़िफ़ पेश कर भी लेते थे, अब तो वो भी डरते हैं। तो ये हालात हो गया पाकिस्तान में। और ये सहाफती नुक्ते नज़र से भी मेरे ख्याल में बहुत इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, इंसानी हकूक के मसले के इंसानी हकूक के नुक्ते नज़र से भी ये बहुत बड़ा मसला है कि वो अपना मौका पेश नहीं कर सकता, जिससे हमें यही जाहिर होता है कि कमज़ोर को मज़ीद कमज़ोर बनाए। अगर हम बात करें इस्लाम की और हम अपने मज़हब की बात करें, तो मज़हब तो यही कहता है कि हम कमज़ोर को जितना हम ताकतवर बना सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं, जिनको आवाज़ दे सकते हैं, वो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बहती है, क्योंकि हम उनको जैसे मैंने कहा मिटाना चाहते हैं। खतरे में लगता है कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, हम इस
ठीक है, अगर हम इस माइनॉरिटी कमीशन की बात करें तो इसकी तो कोई मतलब इस तरह की, अगर ये जब बनता है तो इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग भी उस तरह से नहीं है। अभी तो हम सुन रहे थे, कल ये खबर आई थी कि इसको तो चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे या फिर बहुत इनकी कोई बहुत बड़ा मैंडेट होगा। बस एक टोकन रिप्रेजेंटेशन जैसे आप कहते हैं कि आप बस बता दें कि देखिए हमारे पास माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये बस बैठ के कंसल्टेशन करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई डजंट होल्ड एनी वैल्यू कि वो क्या बात करते हैं या क्या रिकमेंड करते हैं। तो अगर उनको शामिल कर भी दिया जाए तो उसके अंदर मतलब ये इतनी बड़ी क्या बात है कि अगर उसमें आ जाते हैं, एक तो ये। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान का आईन जो है वो कहता है कि वो गैर मुस्लिम है, और इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा भी जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है वो लड़ाई करता है कि आप उनको जो है गैर मुस्लिम है तो आप गैर मुस्लिम बने। अब उनको आप गैर मुस्लिम एक्सेप्ट करते हुए अगर माइनॉरिटी कमीशन में माइनॉरिटी कह रहे हैं, तो अगर वो माइनॉरिटी भी नहीं, पहले वो कहते हैं माइनॉरिटी है, उनको माइनॉरिटी आप कहें, एक्सट्रीमिस्ट ये कहते हैं, फिर जब उनको माइनॉरिटी समझ के रिकग्नाइज करके उनको एक माइनॉरिटी कमीशन के अंदर उनको एक आवाज देने की कोशिश करें कि वो उनकी कोई वॉइस हो वहां पर, वो अपनी आवाज उठा सके जो इस वक्त वो नहीं उठा सकते किसी भी तरह से, तो वो भी नहीं है, तो क्या वो मतलब फिर नेक्स्ट लेवल से कि वो इंसान भी नहीं है, उनको इंसान भी नहीं समझना चाहिए। तो ये जो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक होती है डिस्क्रिमिनेशन, आई फील कि ये ज्यादा तो अब इट्स जस्ट यूज एज अ टूल के कौन ज्यादा जो है वो बिगेट्री करेगा, और जो ज्यादा बिगेट्री करेगा अहमदीज के खिलाफ वो फिर जो है वो कहते हैं कि हम ज्यादा इस्लाम से और पाकिस्तान से ज्यादा सिंसियर, तो वेयर वी गो फ्रॉम हियर। आप डिनाई नहीं कर सकती, आप इस बात को तो रद्द नहीं कर सकती कि पाकिस्तान में एक माइंडसेट है, रवैया है, सोच है जो इत्तफाक करती है, जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे, मौला कादरी साहब कह रहे थे, और ये उन्हीं लोगों को फिर जाहिर है अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने वोटर्स हैं, जो उनके जो इनको तो उसी उसी की बात को फिर वो जाहिर उनको वाह-वाह भी होती है और लोग। हाँ, मैं एक और यहाँ पे ही बात करना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि ये जो कमीशन है, अखिलेश यादव की कमीशन है, काफी टूथलेस है, इसमें इतनी जान नहीं है, इतना वजन नहीं है। इसी तरह जो इंसानी हकूक की कमीशन थी उसका भी ये मसला था, थोड़ा बहुत वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लेते थे लेकिन उनका भी मैंडेट बहुत ज्यादा कुछ फाल नहीं थी। खवातीन के हवाले से जो कमीशन है वो भी फाल नहीं थी। तो ये टोकन कमीशन होती हैं, इन टोकन कमीशन में नुमाइंदगी अहमदियों की क्यों नहीं हो सकती, तो हमें पता चला बिकॉज एक एक बहुत ये जो सोच है जिसको पाकिस्तान में हावी है, वो ये समझती है कि अहमदी साजिश में मुलव्वस है, पाकिस्तान को अंडरमाइन कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो फैसला साज इदारे हैं उन तक उनकी रसाई हो, और फिर वो जिस तरह से खत्म कर सकते हैं, इस तरह से यू नो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी में। तो ये एक सोच है, ज़हनियत है जिसकी अकासी की थी अली मोहम्मद खान साहब ने, मौला कादरी साहब ने। लेकिन साथ साथ आप ये भी मेरे ख्याल में इस पॉइंट को भी हमें जरूर याद रखना चाहिए कि अहमदी बिरादरी अपने आप को गैर मुस्लिम तसव्वुर नहीं करते। जो उनके तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि उनको ये वैसे भी पेशकश नहीं की गई थी बाज़ाब्ता तौर पर। तो ये एक तजवीज़ थी जो शायद काबीना के इजलास में सर्कुलेट हुई थी, और जाहिर उसकी मिनट्स में बिल्कुल वो खुद भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे इन द फर्स्ट प्लेस, उन्होंने डिमांड भी नहीं किया था ऐसा कुछ, वो अपने आप को गैर मुस्लिम तसव्वुर नहीं करते। तो एक जो मसला यहाँ है कि अगर जिस हुकूमती नुमाइंदे ने, जिस वजीर ने भी ये तजवीज पेश की थी कि अहमदियों को शामिल किया जाए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो वैसे भी खुद भी शामिल होना भी नहीं चाहते। उनके खिलाफ ये एक मुहिम का भी हिस्सा है और उनके नाम लीक हो, उनको भी खतरा हो सकता है, विच इज ऑल्सो ह्यूज प्रॉब्लम। हमें ये भी पता है कि जैसे गवर्नर, साबिक गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल कर दिया गया था, हमें अटैक हुआ उनके खिलाफ जो कैंपेन थी उसके बाद, और इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं जो आप टीवी पे बात कर देते हैं ऐसे ही इसने किया ये कैसे कर सकते हैं। तो मेरा कोई अगला क्वेश्चन यही था आपसे कि एक आपके ही चैनल के एक एंकर नदीम मलिक साहब जो है, उन्होंने उस इस खबर के अगले दिन उन्होंने जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनको अपने शो में बुलाया और उनको बाकायदा ग्रिल करते हुए पूछा कि आप कैसे ये कह सकते हैं, आप किस तरह उनको डाल सकते हैं तो कमीशन के अंदर, और आप बताएं कि कौन है, आप इंक्वायरी करें और जो है हमें बताएं, आप हमें बताएं कि किसने ये सजेशन दी है और कौन इस तरह कौन ये रिकमेंडेशन दे सकता है। तो ये इस तरह जो लाइव टीवी के ऊपर जो है वो इस तरह की बातें करना, हमने देखा है कि पहले भी सलमान तासीर की जैसे आपने बात की तो तब भी ऐसा ही हुआ था कि एक एंकर ने अपने शो के अंदर जो है उनके खिलाफ वायलेंस इंसाइट किया था, कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को जो है वो वहां पे प्लेटफॉर्म दिया था।
तो जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि यू आर एन एंकर योरसेल्फ, तो डोंट यू थिंक कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए थोड़ा सा ये इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करते हुए एंकर्स की तरफ से? नहीं, इसमें बिल्कुल मैं इतफाक करती हूँ। और जो सलमान तासीर के हवाले से, वो एक मिसाल 2011 में जब ये वाकया होते, तो मिसाल है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो टेलीविजन है, खास तौर पर हम टेलीविजन पे जोर दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा लोग देखते हैं अखबार, शायद कम पढ़ते हैं, और टेलीविजन का इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है। तो फिर हम पे ज्यादा भारी जिम्मेदारी होती है कि हम जहां जहां हेट स्पीच हो जाए, जो नफरत अंगेज तकरीर हो जाए, जो शो शो हमारे शोज में शुरू हो जाते हैं, बात करना शुरू हो जाते हैं, उसको हमें हम रोकना चाहिए। वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हमारे प्रोग्राम में जो बात हो रही है उसका एक्शन क्या हो सकता है, क्या कहा जा सकता है, किस पे असर हो सकता है। ये ऐसे हसास मामला है। अहमदी बिरादरी तो वैसे प्रोसिक्यूटेड है, द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड ऑफ माइनॉरिटीज आई वुड से। वो तो अपनी आवाज भी, उनकी कहीं कोई बोलना भी नहीं जाता, डर जाते हैं। तो एक तो उनकी उनकी तरफ से मेरे ख्याल में ये भी सोचने की जरूरत है कि वो भी इंसान है, चाहे आप उनको मुसलमान माने या माने, जो आप उनके बारे में, वो एक इंसान है। आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी जानो माल को हम महफूज रखें, खास तौर पर एज जर्नलिस्ट। लेकिन साथ साथ, जैसे मैंने कहा, वजीर जो है और उनको भी मुमकिन है, उनके तौर पर भी खतरात हैं, और ये भी हमने माजी में देखा है। तो ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि खास तौर पर जो वनरेबल होते हैं उनको हमें महफूज रखना होता है। ऐसे ऐसे माइंडसेट्स को, ऐसे ऐसे नुक्ता नजर को, ऐसे मौकफ को क्यों हम हवा दें जिससे किसी की जान को खतरा हो। दैट इज द फर्स्ट यू नो ड्यूटी ऑफ केयर जिसको कहते हैं। ये तो हमें सिखाया जाता है जर्नलिज्म स्कूल में, और जब हम अच्छे इदारों में काम करते हैं, हम हमेशा अपने आप से सवाल पूछते हैं कि अगर हम ये स्टोरी कर रहे हैं, किसी की जान को इससे खतरा होगा या नहीं होगा, हमें किस हद तक इनको महफूज रखना चाहिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट स्टोरी। So that's the first question that you ask yourself, and I think मेरे ख्याल में मैंने इसीलिए मुझे मुझे मालूम है कि इसी चैनल के साथ मैं मुंसलिक हूँ, मैं भी एक प्रोग्राम करती हूँ छोटा सा, और शायद मुझे पब्लिकली एक पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के ली थी, क्योंकि मुझे मैं समझती हूँ कि जान को किसी को खतरा नहीं होना चाहिए, और ये खतरनाक चीज है जो हमारे मीडिया में पाई जाती है, और इसके हमने नतीज तो देखे, जैसे हमने भी बात की किस किस्म के नतीज रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हम अगर बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी बंदे को अगर वो कुछ गलत, मतलब फिर थोड़ा सा उसने कुछ गलत कर दिया है तो उसे कॉल आउट करें। लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पे कि जो हम अगर वो भी मैंने जो अगर शो आप देखें या कोई भी इस तरह की जो हेटफुल कंटेंट के अहमदीज के बारे में होता है तो उनसे उसे देख के आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितने पावरफुल हैं वो, कि वो इतनी साजिशें कर रहे हैं, सारी जो कुछ पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो ही कर रहे हैं, और सारी कंस्पिरेसीज के पीछे उनका हाथ है अहमदी कम्युनिटी का, और वो सब कुछ जो है वो बहुत पावरफुल है और वो पाकिस्तान को जो है तबाह कर रहे हैं। लेकिन हमें जो मतलब एज जर्नलिस्ट हम जब देखते हैं कि क्या उनके साथ हो रहा है तो वो तो इतने परसिक्यूटेड हैं कि वो तो अपनी उनके पास दे डोंट हैव अ वॉइस, ठीक है, और ये भी नहीं कि जिंदगी के अंदर जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी दे हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ यू नो वेंडलाइजेशन ऑफ देयर ग्रेव्स, उनके ग्रेवयार्ड्स के अंदर अटैक्स होते हैं, तो ये और वो कलमा पढ़े पब्लिकली तो उनको पुलिस अरेस्ट कर देती है, और वही पुलिस जब हेट स्पीच हो रही होती है बाहर जो मर्जी हेट स्पीच में खादिम रिजवी जैसे लोग कह रहे हो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन अगर कोई अहमदी करे वो एक इतना बड़ा क्राइम होता है, ठीक है, तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, और वो हम आपको लगता है कि एनी टाइम सून लाइक कुछ इसका सोल्यूशन निकल सकता है? बिकॉज यहाँ पर तो आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन दे दें, इस बात के ऊपर लोग जो है वो कत्ल के फतवे जारी करना शुरू हो गए हैं, तनाजा हो गया बिल्कुल। या तो आपको लगता है कि अहमदियों को इस परसेक्यूटेड कम्युनिटी को कभी पाकिस्तान के अंदर जो राइट्स हैं, जो एक इंसान के भी राइट्स हैं, आई फील कि वो भी उनको हम नहीं एक्सेप्ट करते कि वो जो वो हैं, तो वो आपको लगता है कि दिस विल चेंज एनी टाइम सून? अब देखें, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या रवैये हैं, कॉरिडोर्स ऑफ पावर में क्या सोचा जाता है, जहां भी आपको किसी, इवन इफ समबडी हुज इन पावर, उनको आपने थोड़ा सा भी उनकी साख पर दाग डालने होते हैं, तो आप उनको या तो सिंपथाइजर कह देते हैं अहमदी का, या आप उनको अहमदी कह देते हैं। ये हमने देखा है, माजी में भी देखा है, और ये सोचे समझे समझे कैंपेन्स होते हैं। मेरे ख्याल में द रॉट इज टू डीप, बहुत देर हो चुकी है। अब इस तरह से
और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने अहमदी बिरादरी के हवाले से मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स की हैं, और उस पे मुझे भी धमकियां आई हैं, धमकियां मौसूल हुई थी। वो जो रिपोर्ट्स थी, हमने टेम्पररी वी हैड टू शेल्व देम एंड पुट देम ऑफ। आई वाज वर्किंग विद द बीबीसी एट द टाइम, क्योंकि मुझे धमकियां मौसूल हो रही थी, हमारे दफ्तर को हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब हालात ये हों तो जरा मुश्किल लगता है। और जब आपने जैसे कहा कि नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के वजीर हैं और वही ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। जब आतिफ मियां को इंक्लूड करना चाह रहे थे इमरान खान साहब इन द इकोनॉमिक टास्क फोर्स, तो तब भी काफी शोर मचा था। वो शोर जब तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से खत्म भी हो गया, उनको दोबारा से इंक्लूड वैसा नहीं किया गया। तो ये ऐसा मामला है जहाँ जो ये मजहब के बुनियाद पर जो नफरत है वो अब इतनी उसकी जड़ें पकड़ चुकी हैं पाकिस्तान में, कि मैं शायद नाउम्मीदी की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल तो नहीं लगता कि ये मामला बेहतर हो सकते हैं। कि बहुत हालात खराब हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जो ये आपने जैसे कहा कि ये जो प्रैक्टिस है पॉलिटिशियंस यूजिंग दिस बिगेट्री एज अ टूल अगेंस्ट ईच अदर, अगर ये खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे बिलावल भुट्टो ने एक टाइम पे कहा था कि हम रिलीजन कार्ड किसी के खिलाफ भी नहीं यूज करेंगे, चाहे वो हमारे ऑपोजिशन मतलब हमारे ओपोनेंट भी हो, अगर वो इमरान खान है तब भी नहीं हम कर सकते, तो विच वॉज यू नो वेरी इंकरेजिंग। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी एहसन इकबाल की भी मैं ट्वीट देख रही थी, उन्होंने भी कंडेम किया है कि ये बिगटरी नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये इस तरह कंसेंसस हमारी ऑपोजिशन की तरफ से आ जाए कि हम एक दूसरे को इस बेसिस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये रिलीजन कार्ड नहीं यूज करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये अहमदी नमाज है तो ये तो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि इससे थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, हम एटलीस्ट यू नो सोच सकते हैं कि maybe in the years to come thodi si ye bigotry itni zyada matlab jaise abhi normalized hai to us tarah se normalized nahi hogi. ab ek main bata keh sakti hu ki jaise khawateen ke hawale se ab koi bhi important shakhs ho, koi bhi siyasadan ho, koi baat bhi kare to bahut shor machne laga hai, aur uski wajah se unko ya to maazrat karni kar leni padti hai ya kuch admit karna hota ki unhone kuch galat kaha. ये अब हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में बहुत होने लगा है, और इट्स पॉजिटिव। तो इसी को अगर मिसाल बनाकर हम ये कहें कि कुछ ऐसे खास सियासतदान हैं जिनकी जो जिनका जैसे कह सकते हैं करेज टू से दिस कम है, बहुत कम है, जो समझते भी हैं, जो अग्री भी करते हैं, वो समझते हैं कि ये बिगट्री है, जो समझते हैं कि ये हम ऐसे नहीं करना, वो भी कुछ डरते हैं। तो ये जो खौफ और डर है बोलने की वजह से, वो अगर थोड़ा सा खत्म हो जाए, कुछ और ऐसे इन्फ्लुएंशियल सियासतदान हो, इन्फ्लुएंशियल पीपल हो जो आकर बात करेंगे, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हम इस पर थोड़ा सा बात कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो तफरीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन ऐसे इकबाल साहब ने भी अहमदी बिरादरी का नाम नहीं लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नहीं लिया, उनको भी उनकी भी हिम्मत नहीं है अभी फिलहाल। तो हालात ये हैं, पर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब मीडिया पे जरा शोर मचता है, कुछ लोग वो बात करते हैं, तो फिर और लोगों को भी वो हिम्मत पकड़ते हैं और बात करने लगते हैं। बिल्कुल, आई थिंक कि अगर हम इनटॉलरेंस को खत्म करेंगे तो ही डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस जो होता है वो खत्म होगा, जो अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट्स लेकिन आप ये देखिए कि हम यहाँ बैठकर बड़े-बड़े शहरों में बैठकर हमने क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव अगर सोच रखने वाले लोग हैं वो वैसे भी बहुत कम तादाद में हैं। आप अगर पाकिस्तान में जो मेजोरिटी है वो उनकी सोच वही है जो नूरुल हक कादरी की है, अली मोहम्मद की है, तो थिंक ऑफ द बैटल दैट यू आर फाइटिंग, इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो हम बैठ के बात करें और आप लोगों के जहनों को इतनी जल्दी तब्दील नहीं कर सकते, कई जितनी दिहाइयां लगी हैं उनको यहाँ तक पहुंचने में उससे ज्यादा वक्त लगता है, मुस्बत सोच की तरफ को अनलर्न करने का जो प्रोसेस है वो वेरी लॉन्ग होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक पॉलिटिशियंस जो कहते हैं कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक को एजुकेट करें, उनको बताएं कि क्या गलत है और क्या सही है, मैं ये भी कह दूंगी कि इफ यू डू कीप कॉलिंग अबाउट, उनको उनको इस सोचने पे मजबूर कर दो कि आपका आपकी आप जो कॉल हैं उसका क्या नतीजा निकल सकता है। मैं मिसाल देती हूँ, अली मोहम्मद ने नदीम मलिक के शो पे भी आए थे, लेकिन वो मेरे शो पे भी आए थे,
और मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बेहेडिंग के हवाले से, कि जो भी खत्म नबूवत पे नहीं यकीन रखता उसको उसको सरतन से जुदा करना चाहिए। तो उसमें मैंने पूछा था, मैंने कहा तो एक मैं, बहुत कम लोग होते हैं शायद जो कि पूछते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको एहसास होना चाहिए कि कोई पूछने वाला है, उनकी ऑडियंस सिर्फ वो लोग नहीं है जो उनके बिलीव्स में भी बिलीव करते हैं, लेकिन और लोग भी हैं जो उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो शायद प्रोग्रेसिव थोड़े से ज्यादा हैं या कुछ और सोच रखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में कॉलिंग आउट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कॉल आउट करेंगे तो उनको इस बात का पता चलेगा कि ये गलत है और वो किस तरह से गलत है। जब तक हम उस लेवल पे पहुंचते हैं, आई थिंक हमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हर प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी को भी कुछ करना चाहिए। अगर आप किसी अहमदी को जानते हैं तो जस्ट रीच आउट टू देम, रीअश्योर देम कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे डोंट स्पीक फॉर अस, और हम आपको उतना ही सिटीजन समझते हैं जितने हम खुद सिटीजन हैं, और आपके उतनी राइट्स होने चाहिए। तो आई थिंक इस तरह से अगर हम ये शुरू करें अपनी कम्युनिटीज के अंदर, तो इससे एक हम एटलीस्ट अपने लेवल के ऊपर तो कुछ चेंज की तरफ जाएंगे। अमर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत आपने इम्पोर्टेंट बातें की। हम होपफुली आपको दोबारा भी इन्वाइट करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा।